जी, और क्या आपके नाम का भी कोई लेना देना है क्या देखिए यही मुश्किल है हमारे देश में और अभी हम बात कर रहे थे देश बड़ा है संस्कृति बड़ी है माइक पास कर लें हिंदोल आता है हिंदोल राग से जो लोग गाते हैं मेरी माता जी गाती थी राग हिंदोल से हिंदोल आता है हिंदोल के साथ हिंदू शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है पर ये बात सही है कि मेरे लेटेस्ट किताब सोल एंड शोर्ट पॉलिटिकल हिंदुइज्म या हिंदुत्व के बारे में है अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि वी डी सावरकर ने नायक ना दामोदर सावरकर ने पहले हिंदुत्व की बात किया था पर ये लोग नहीं जानते हैं कि सावरकर के बहुत पहले आनंद मठ में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था और उस इस्तेमाल के उस इस्तेमाल से के बाद चंद्रनाथ बासु जैसे लोग लोग और बहुत लोग, उसके उसके बाद कई सारे ऊपर चर्चा होता रहा वगैरह वगैरह ये जो हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल था बहुत लोग ये नहीं जानते बहुत लोग ये भी नहीं जानते आनंद मठ है क्या बहुत लोग आज ये भी नहीं जानते कि आनंद मठ वो किताब है जहां से हमें वंदे मातरम मिला बंकिम की वो किताब है आनंद मठ जहां से हमें आनंद बंदे मातरम मिला देखिए मैं मेरी किताब के पहले पन्ने पे कहता हूं कि हाँ ये बात सही है कि आप कह सकते हैं कि हिंदू इज्म तो खैर वैसे भी हमने पाश्चात्य से उठाया है हमारे यहाँ पे तो इज्म का कोई मतलब नहीं होता है हिंदुइज्म के साथ हिंदुत्व या पॉलिटिकल हिंदुइज्म का कनेक्शन नहीं है पर है भी मैं आपको समझाता हूं है क्यों ये जो हम बात करते हैं ना कि हमारे देश में इससे भी ये भी कह सकते हैं धर्म के नाम में वो भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं वो भी कह सकते हैं चार भी है हमारे में भक्ति बोध भी है हमारे हमारे मन में हमारे मन में आदि शंकराचार्य की लिए भी भक्ति है तो ये सारे जो डिबेट अभी पवन जी कह रहे थे सिक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम ये सारा जो डिबेट का मामला है इसको सुरक्षित रखता है पोलिटिकल हिंदुइज्म क्योंकि पॉलिटिकल हिंदुइज्म समझता है कि अगर धर्म को रक्षा करने वाला कोई अगर नहीं होगा तो धर्म रक्षा नहीं हो सकता धर्म को रक्षा धर्म तभी रक्षा हो धर्म का तभी रक्षा होता है जब कोई धर्म का रक्षा करता है और पॉलिटिकल हिंदुज्म या हिंदुत्व तो धर्म को तो रक्षा की जरूरत है क्या हंड्रेड परसेंट जरूरत है, है? खतरे में है आज आप देखिए फिलिस्तीन से लेके कश्मीर तक हाँ. आपको एक ही मैसेज सुनाई दे रहा है कि धर्म का अगर आप रक्षा नहीं करोगे हाँ. तो उसका एक नतीजा होगा और हंड्रेड हाँ तो परसेंट क्या इशारा कर रहा है साफ समझाइए क्या इशारा कर रहा है देखिए एक तो एक बात एकदम सही है कि एक एक्सट्रीमिज्म फोर्स एक नहीं बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म फोर्सेस हमारे समाज में है और उस समाज में ऐसे भी नाम एक्सट्रीमिज्म बहुत सारे नाम हो सकता है, है? पर इन, उ, उन, उनका जो नाम तो बदलता रहता है, है? नाम बदलता रहता है बस सोच एक ही है सोच यही है कि सत्य का एक मूल धारा है वो एक किताब में मिलता है और अगर वो सत्य नहीं है अगर आप नहीं मानते वो सत्य तो आप जीवित नहीं रह सकते ये कोर प्रिंसिपल है